मेहरारू आजकल का बड़ी चालाक हो गई है, जैसे में नूर जहां बेगम कहला ना, एगो कब्बित लिखल ना कि पहले की जमाना में दिमागदार मरद रहले, आज की जमाना में दिमागदार मेहारी। पहले की जमाना में दिमागदार मरद रहले, आज की जमाना में दिमागदार मेहरी। अयान का भतार देख चार घप्पा मारिया में, अपनी भतार बेर खटियवे पर कहा बड़ा पीरा बा। गुद्दर के चेला यल वेला मजीद कहे कि मार उनकी ओखरी में मूसर धमाक से, चाहे जाए भीतरी चाहे जाए बाहरी। तो पहले की जमाना में आदमी मलकार रहे, आज तक गवर्नमेंटों में के नामे खाली कुल कार्डो बनवावत है। मेहरारू के नामे खेत लिखेब तो 10,000 छूट मिली, और वह दिन लिखवा के करीब पागल बन के घूमत कुछ न खदिया होती है। हाँ तो ये भैया जमाना ऐसा आ गई बा ना कि नहीं भाई, नारी का काम तो प्रथम पर रखल गई बा। बस में महिला सीट 3 गो सुरक्षित होले, गांव में चुनाव आई तो महिला सीट सुरक्षित रही, मर्दन का कहां गिनती है हो। लेकिन मर्द दिल से इतना कोमल होला कि अब का कहे के बाद, जैसे मान लो कि दिल्ली से चल दे हला, कोनो अनजान मेहरारू तोहरी लग के बैठ जाओ आ तो के बनारस कैंट पर उतरे के बाद, अब ओकरा लगी तू बैठल होख आ तोहार मुड़ी वो मेहरारू की कान पर है, तेरे टेक जाओ तेरे सब वहां जा, तई बुझल कि अब काली को रूप धले ऊंचाई तो के वो जैसे जेल भेजवा दे। आ ठीक यही कहनिया के उल्टा कला, यही के उल्टा कला कि मर्द बैठल होके मेहरारू का कपारो करी कान्हे पर लाग जा, उतरे के कांड पर उन्ना गोरखपुर चल गल तो फिर बात का एक बेर ना जगाई कि नहीं तू उठ, कैसे को के छुअल के में मजा मिला था, चल जाए महाराज गंज ले। तय बाबू बिरहा में बड़ा सुंदर भाव हमारे कवि लिखले हुआ, तेरी चार लाइन भूमिका सभी सुने भैया। भूमिका में भाव मजा बिगड़ जाए। हाँ हम जाना था तो हम लोग उनके देख के बड़ा खुश पड़ा लो। अच्छा तो भाई ठीक है, यही खातिर लेडीज जेंट्स कही जला हा कि बुढ़ो के रात भर टुकु टुकु तकी हा। आई अनुमान लगाई लो केहू कही कि तन चश्मा हटा के देखा तो कैसा लागत भे का चाचा होती है कि कह कोनो कोक शास्त्र थोड़े होता भगवान के शिकायत करे थे। कहानी का शुरुआत हो गई, भैया हो
बुझात ना बतिया हमार। अच्छा तो ब्रह्मा जी एक बार मेरु पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। आ तपस्या कैला के दौरान ब्रह्मा जी के आंख से एक बूंद आंसू जमीन पर गिर गए। तो जब एक बूंद आंसू गिरल तो ब्रह्मा जी के एक बूंद आंसू से एगो जीव को उत्पत्ति भइल वही मेरु पर्वत पर। आ जीव कौन बनल कि एगो बानर को रूप ले ले बा। तो ब्रह्मा जी के आंसू से वो पैदा भइल। आ ब्रह्मा जी के यूं रहता तो ब्रह्मो जी के कोनो टेंशन ना ना बाकी ओके खियावे के पियावे के। वो तो बानर बा कूद फान के जाके बन छांग में खा ले। लेकिन बड़ी सेवा करे ब्रह्मा जी का। जाड़ा के दिन में बैठे तो बटूरी कपार में का ढील हेर घले। ब्रह्मा जी का पीठ खजुआवे तो कहे कि ज्यादा ही निक लड़का बिना लागत को मिलल बा। कोनो चिंता का बात ना बा। बिरहा में बड़े खूबसूरत एगो गीत निकल गई है। कैसे भावी प्रधान नहीं कुंथौरा काली। अच्छा दत्तेपुर कंदौरा। अच्छा तो हमारे माननीय अनिल माली जी के तरफ से हमें सम्मान आया है और अपने ग्राम सभा के भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। तो माता रानी की कृपा हो कि अपने ग्राम सभा की आप सेवा करिए और लोगों का सहयोग आपको मिले। बड़ी खूबसूरत एगो गीत निकल गई है। कैसे अरे तन से आगे कला अरे जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा चचा। अरे जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा है हंस जब जब उड़ा तब अकेला हंस जब सम्मानित किया है ये शानदार पुष्पहार दे करके बहुत बहुत आपको हम नमन प्रणाम करते हैं। गायक गायक महोदय है क्षमा चाहेंगे आपसे। एक मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। उपस्थित साथियों हमारे बीच जो आदरणीय अतिथि महोदय अभी तक बैठे हुए हैं अपना बड़ा ही मूल्यवान समय सोनभद्र से चल करके यहाँ पर आए दिए और सभी अतिथियों के जाने के बावजूद भी अभी आपके बीच बने हुए हैं और चुनाव का समय चल रहा है। माननीय अतिथि महोदय सोनभद्र के लिए निकलेंगे और हम चाहेंगे कि दो शब्द वे अपनी बात रखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि माननीय गायक महोदय एक मिनट रुक जाए। आदरणीय साधन विहीन लोगों की गहरी संवेदना से जुड़े सेवा पथिक के हमराही और समाज के आलोक स्तंभ सक्षम वक्ता कुशल प्रशासक सागर में घागर भरने वाले ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ आदरणीय इस मंच के कुबेर माननीय धीरज त्रिपाठी जो हम लोग प्यार से आपको बुलाते हैं धीरज तिवारी आप ओप नारायण तिवारी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सोनभद्र हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं
आप आए और अपनी बात को रखें। माननीय त्रिपाठी जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और यहाँ पे देवतुल्य जो भी जनता बैठे हुए उनको सादर अभिवादन और मेरी तरफ से होली की अग्रिम आने वाली शुभकामनाएं। बहुत कुशल वक्ताओं के मुख से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और अभी सुना के गए भी हैं, हमने भी सुना, आपने भी सुना है और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में मैं इस बिरहा कार्यक्रम में जो भी जब भी कभी भी जब तक मैं सरोवर में जंगल का जानवर आकाश से पक्षी लोग आके पानी पियत हो तो बनरों पहुंच गए। पानी पिए खातिर जब अपन मूड़ी लगौलस ना तो स्थिर पानी में केहू बैठ के देखी तो ओकर फोटो के लौकी। तो बनरा जब मूड़ी निहुलौलस तो वही बनरा का फोटो वही पनिया में ओके लौकल। तो रहल ब्रह्मा
जी को भले हूँ ब्रह्मा जी के आंसू से पैदा, लेकिन हत बनरे न फोटौआ के बने देख के भड़क गल। अरे जंगल में जो अकेले हम बानर के रूप में हई, आई बनिया में कौन सारे बानर लुकाई बा। वो बनरा के देख के ऊपरा वाला बनरा कहता कि बड़ी बड़ी मार मार, ओहू में से फोटौआ वैसने आवता तो ऊपरा वाला सोचता कि जना तक ओहो मन सरहंगे बा। और यह पुरस्कार आया है सागर 151 रुपए। ये मूलचंद यादव जी बड़का अहिराल जगदीशपुर से आपके तरफ से हमें सागर 151 रुपए से सम्मानित किया गया है। महोदय जी को बहुत बहुत नमन प्रणाम करते हैं। लेकिन जब बनारा बिगड़े अपनी फोटोवा के देख के, अब ऊपरा से बनारा मारे आंख तरे रहता, आंख तरे रहता तो वैसे फोटो आवता वो आंख तरे रहता। सोचलस कि अबे तरे काम ना बनी, पनिया में ऊपरा वाला बनरा कूद गल की धले तो कोनो बानर बाकी मिली हो। बिरहा में एगो तरज लागल जो बुल्लू चचा है कैलाश दादा के समय में गवल जाए। कैसे गवाए हो एगो लड़का कहता, वो पहले के जमाना में बुढ़ऊ लोग आवे हैं तो वो बुढ़ऊ लोग कहे तो कहे कि एगो लड़का कहत रहा। घटना घटल बा, बानर पानी में हेल के ओके खोज के थक के आज बहरा निकला था वही घाट पर बिरहा के टेरी लगल है। ए भैया विधनवा कैसन ब्रह्मा का बनल गौल के रामा रामा, विधनवा कैसन ब्रह्मा का बनल।
राकेश सोनी जी बंदी पंक्ति नवसारी गुजरात से आपने हमें सम्मानित किया है, बहुत बहुत आपको हम प्रणाम करते हैं। इस बंदी पट्टी के लोगों को नमन करते हैं, इस चतुरपट्टी के लोगों को हम प्रणाम करते हैं, दूर दूर से आए हुए हमारे भगवान स्वरूप श्रोता सज्जनों को प्रणाम करते हैं। तो विधनवा कैसे ब्रह्मा का बनल, बानर नीर से बाहर पाया नारी तनवा, रहल बानर पहले पनिया में है होता, लेकिन जब निकला था मेहरारू बन गई। 16 18 साल को मेहरारू के रूप बल, नौजवान मेहरारू का रूप बा, लेकिन बा कैसन की एको कपड़ा नहीं खे पहले। अब तू सोच लो नूर जहां की वो घर रहल हुई तो कैसन रहल हुई, बिना कपड़ा को मेहरारू। तो वो सोचत बा मनवा में, वो करी मनवा में तो ये आवे कि नहीं हमार कुल इज्जत अब रू उघार बा, अब ही तो अकेल बनी तो कोनो बात नहीं खे, खाने हाथे से हेने तो पतिया, खाने हेने तो पतिया, खाने हे तरह कर दिया, लेकिन सोचत या कि केहू आ जाइए देखी तो का कोई। चौकड़ा में हमार कवि लिखले हूं बड़ा सुंदर भाव है, साड़ी बा न ब्लाउज बा न साया बा, कैसे रह अकेल बनी तो कोनो बात ना, केहू आ जाई तो गड़बड़े हो जाई। लेकिन एक बात सोच ले जा कि जवना बात का डर रहेला वो बात हो के रहले। बनारस से कैंट से टिकट लेके ट्रेन में बैठा दिल्ली ले चल जेबल, कहियो संजोग से एको टीटी ना मिली हम, आ ना टिकट ले ले रह तो कोनो करियो कुर्ता पहिन के चढ़ी तो मनो में आवे लगे जना था कि आ गई लंग सुखा, तो हर घड़ी लैटरिंग में और जाए के मन कर ला। एक साला एक साल तिवारी जी फंस गई ले, जात रही जा हमने को नासिक गावे खातिर, तो एक ना धरनौन में ही जड़वा मार मार के पैसवा ले लेता हूँ सो, तो उन्होंने और तकबा ध्यान से तो एकदम पक्का 100-200 ले लिया सो, और ना तकबा 200 को थमा दला है के मुंह के तो लेके चल जाइयो सो। ई मार ताकत हुआ हमारे का 10-20 दे के गला छोड़ ली जाए, ई मार गवर से देखो हुआ, तो इनकी लगे आई तो ही जड़वा कहता कि उठ मेरे धर्मेंद्र चल 200 रुपया निकाल। आहे दादा तो इनकी परस में तो 1 रुपया नहीं गे, अभी हमारी और ताकत हुआ तो तनी देरी भइल तो का कैल सु हिजड़वा ना, कि देरी भइल तो कहत बा कि नहीं तो ख्या तो हम कहीं मारे ना, नहीं तो तिवारी जी के गांव में बड़ी इज्जत है, गांव को आदमी जान जी है तो लड़का रिगावत इनके मुँह आ गली है। तबले हिजड़वा का कैल स्किन को मुड़िया सिटिया पर से घीट के अपनी जमिया में ही तरह दबा लिया ला। तो हम कहनी कि हमारी संग गावे जाते वो मर्डर हो जाए, तो हम कौन जवाब घर दे,
हम 200 रुपया दे के इनका जान छोड़ा दे ली। बाद में पूछली तिवारी नीचे मुड़ी गई है का देखला हा तो कहता कि जना था कि वृंदावन में आ गई है। तो हम कहली और तो कहत हूँ पहाड़ से पानी गिरत रहा। ऐसा लीला होला हो तो देखो मेहरबा सोचे दिया कि केहू देखी तो हमार इज्जत ना रही, लेकिन जो बात का डर रहेला वो हो के रहेला विधा में एगो तर्ज लागल है। धन्यवाद देते हैं कि बिरहा के क्षेत्र में आप प्रगति करें, इस दुनिया समाज में आप अपना नाम रोशन करें, माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ये हमारी शुभकामना है। लोक गायिका लक्ष्मी यादव का पुष्प गुच्छ और साल ओढ़ाकर सम्मान किया। और लक्ष्मी जी से अभी कमेटी अनुरोध भी कर रही है कि अगर उनकी इच्छा हो तो एक गीत गा के जाएंगी। हाँ सुबह हेलो कमेटी को पब्लिक की मांग है कि लक्ष्मी जी इलाहाबाद का नाम रोशन करेगी और गीत के अंत में एक अपनी गीत रखेगी लक्ष्मी यादव जी, आगे उनका विचार। ब्रह्मा जी से भेंट कई के आप कैसन हो भैया आ तो देख लो चश्मा हटा के देखो वो मेहरारू बैठल बे सयान बा।
जब इंद्र जी देखल तो इंद्र जी चश्मा हटा के देखत हुआ कहत हुआ ए सुरु जी तो बड़ी शोक बाए भैया। इंद्र जी कहत ना कि भैया हम पहले देखली है इधर हमारी बियाह करे लायक बा। सूर्य कहत हुआ कि भाई मर्दे तुहरी के ही अड़ी तुहरी के ना रही हमारी बियाह कर लायक बा। दोनों जाने वो के देख के अपने में शरारत करत हुआ। इंद्र कहत हुआ कि हमारी लायक, सूर्य कहत हुआ कि हमारी लायक, दोनों जाने ताड़ी ठोके लगल। मेहरारू खातिर सदैव झगड़ा भइल, महाभारत भइल मेहरारू खातिर, रामायण भइल मेहरारू खातिर, घर परिवार हमार तुहार अलगा अलगा हो तो मेहरारू खातिर। तो मेहरारू जब चार गो आ जाई है ना, चार गो बेटा बारी है, चार गो पतो है जी, तो चार महीना ही नहीं करना फटी, चार गो चूल्ही बननी। ए तरह झगड़ा हो या जब अलगा हो जाइए सो तो एक संग बैठ के खूब दुख सुख बतियावत है सो। ए बहनी तुहार का बना ल तनी हमारे लैकवा के दे दिया, हमारे लैकवा तनी आज कम खो ले बा, लेकिन एक कवा में तनिको पटाव ना रहता। अच्छा तुहरे लैकवा साड़ी पी, हमारे लैकवा माठा खाई ना पटाव रहता। तो देखो मेहरारू के चलते इंद्र और सूर्य में लड़ाई होत बा। औरतिया जब देखलस की दोनों बुढ़वा पगला गए, वृद्ध भयो मति मंद भयो, बुढ़वा पगला गए हमके देख के, हमारी जवानी के देख के। तो कहते कि सुना लोग, बियाह बियाह मार चुकवासल हुआ लोग, हम उघारे हैं कोनो जना कई मन कैला सकी नहीं ले, हमार गमछिए लपेट ले तू उघार बाड़ी, खाली बियाहवे का मन कर दो। सूर्य कहत हो कि हाँ हो मर्दबा, अंगुछियो दे दिले तीजा ते पहिर ले ले रही, लेकिन ये तो होशे ना पड़ल। इंद्र कहत हो हाँ खाली देखही में रह गई हे भैया। मेहरारू बड़ा सुंदर एगो संदेश देती है वो दोनों देवता लोग के, ब्रह्मा के पापा पे मास्टर। मंजूर बा तो कहत हम सूर्य भगवान की, अब कहत बात हमके तो ठीक है बात, होके जैसन लागत होके तो कहला कि चलो बूढ़ भाई बनी जा, दोनों जना बियाह कर ले जा। तो कहत हम कहो मर्द तो कैसे रहल जाए, तो कहत है कंपनी चलत है सो, नाइट में दूसर वर्कर लागत है, दिन में दूसर, दोनों 12 घंटा ड्यूटी कर दे। तो कहत हो अपने में सामंजस्य बनौल दोनों जना। वो मेहरारू कहत या कि हे सूर्य भगवान तुहके तो दुनिया जल दिले, या तू एगो मेहरारू खातिर झगड़ा करत हो, हई इंद्र हम हई देवता कहाला, एगो मेहरारू खातिर लड़त हम, हम ब्याह करब तो दोनों जना से करब भाई का। अरे मर गए तब सूर्य इंद्र, अरे दोनों की बन गई रानी हो, अरे रहकर प्यास बुझाए दोनों, अतन के पार पहाड़ी हो, अरे काम दे मारे लो सब का मतिया मतिया महाना हो, अब बिसर नहीं दिलवा से सुरतिया मतिया महाना हो। रामदेव चचा गावे तो कहे कि काम बसी इंसान सदा चेतना शून्य हो जाता है। जब आदमी मोहब्बत में पागल होला तो वो जाने लेना कि जो हम करत हैं तो उनके हो ना जानत हुई, लेकिन ओकर काम तो दुनिया जान जाती है। तो दोनों जाने अपने में तैयार भइला, दोनों जाने ब्याह कइला, दोनों जाने घरे ले गइला, दोनों जना पारा पारी ओसे मिलल। आ जब मिलल लोग ना हो
तो वो दोनों जना के अंश से, एगो सूर्य के अंश से आ एगो इंद्र के अंश से वो औरतिया को एक एगो लड़का भइल स। एगो सूर्य की देह से पैदा आ एगो इंद्र की देह से पैदा। एक रोज वो औरतिया वही सरोवर में नहाए गई, इंद्र भगवान भेजना की जो अमावसा का नहान लागल है लम्बा ना जबित जो वही तलबे में नहाया करी पूजा पाठ कर ली है बड़ा ढेर दिन का नहले है तो गईल वही तलबवा में नहाए खातिर मेहरारू के रूप लेके गई रहा। लेकिन जब भुड़किया मार के पानी में से बाहर निकल तो फिर बानर हो गई। एक बेर बानर से मेहरारू बन ले है, मेहरारू बन के जब फिर वहां नहाई बस फिर बानर हो गई लगल पोई पोई करे। हाँ लेकिन तू वो बच्चा जन्म देले रहो तो वो बच्चन को मुंह वो करी अंदर रहल गैल सूर्य इंद्र के यहाँ अपने बच्चन का देखभाल करत बाटे। लेकिन वो मेहरारू से कौन दुगो बहादुर पैदा भइला जेकर शास्त्र में गाथा हुए हो बिहार आखिरी है होती है उस औरत से। तब बाली ये धम जब सुग्रीव को सताया अरे राम जी के हाथों वहां पीर गति पाया। बाली के पंधारी लड़ा का गीत कहले बिरहाखे अंत में गावे हो का कहे कहा कि अब ना मिली भैया अब ना मिली भैया अब ना मिली नेनुआ का तारकारी अब ना मिली। बच्चन जी बने पुजारी विधनवा कैसे ब्रह्मा का बनल और राकेश सोनी जी बंदी पट्टी नवसारी गुजरात से आपने हमें सम्मानित किया दोबारा सादर 101 रुपए प्रणाम करते हैं। राज राजपथ और यह पुष्पाकर कुंधौरा ये सादर 100 रुपए हमारे महान भाव जी की तरफ से आए हैं, नमन प्रणाम करते हैं आपको। अरे विधवा कैसे ब्रह्मा का बनल नफरत की खेती